चौथा क्या चौथा है महत्वपूर्ण मुद्दा है क्या महत्वपूर्ण मुद्दा है ईवीएम मशीन ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ये भी बड़ी कमाल की चीज है इधर वोट करो इधर स्टोर करती है उधर काउंटिंग में दो घंटे में रिजल्ट देती है बड़ी कमाल की चीज है अरे भैया इतनी कमाल की चीजें अच्छी बात है लेकिन दुनिया भर में जिन कंट्रीज ने ईवीएम मशीन को बनाया वो ईवीएम से वोटिंग नहीं कराती या अगर कराती है तो उसमें एक पेपर ट्रेल देती है पेपर स्लिप देती है जैसा आप एटीएम काउंटर पर जाते हो आप पैसा निकालते हो मेरे बैंक बैलेंस में 50,000 रुपया था मैंने 5,000 निकाला तो आपको 5,000 रुपए की स्लिप मिलती है 45,000 रुपया बैलेंस सही है आपको एटीएम से मिलता है लेकिन हमारी ईवीएम मशीन में आपने एपीआई को वोट किया लेकिन एपीआई को आपने वोट किया लेकिन वो वोट किसको गया इसको चेक करने का कोई प्रूफ भारत के ईवीएम मशीन में नहीं है। अब मजे की बात देखिए शॉप इंडिया में इसी इश्यू को लेकर एक संस्था ने रिट पिटीशन दाखिल किया क्या दाखिल किया कि भाई आर्टिकल 19 में जो हमारा राइट टू फ्रीडम है राइट टू लिबर्टी है इसका वायोलेशन ईवीएम मशीन करती है किस लिए करती है क्योंकि हम वोट तो पार्टी को डालते पर वो वोट किसको रजिस्टर्ड हुआ इसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा 2 साल पहले कि भाई आप इसके अंदर पेपर ट्रेल निकालो जैसे एटीएम में स्लिप निकलती है वैसे निकलना चाहिए उसको बॉक्स में डालो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा और अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसको भी गिनो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये कोई विजय मानकर नहीं बोल रहा है भारत के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है अब मजे की बात देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमने आरटीआई किया आरटीआई करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पूछा कि भैया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो आप कब तक ये सारी जो स्लिप है ईवीएम मशीन में ला रहे हो देश के तमाम मशीनों में ये आप बताइए तो आप देखिए भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कितना लाचार है वो ये कहता है कि हम सारे मशीनों में नहीं ला सकते किस लिए नहीं ला सकते इसलिए नहीं ला सकते क्योंकि सरकार पैसा नहीं दे रही है अभी आप मजे की बात देखिए ये कहते जनधन योजना मैंने आपको इंश्योरेंस दिया मैंने आपको बैंक अकाउंट खुलवाया मैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और स्वच्छ भारत और क्या क्या नहीं गंगा अभियान ये वो क्या क्या बकवास पता नहीं ठीक है आप जो कर रहे करो कुछ बातें अच्छी भी हो सकती है लेकिन ईवीएम मशीन में अगर पेपर स्लिप लगाना हो तो कितना पैसा लगना चाहिए मुझे नहीं लगता 1,000-1,500 करोड़ से ज्यादा होगा अरे भैया 130 लाख करोड़ का बजट है 20 लाख करोड़ का आपका सॉरी जीडीपी है 130 लाख करोड़ का और 20 लाख करोड़ का भारत की सरकार का बजट है क्या भारत की सरकार हमारी इतनी निकम्मी है उसके पास पैसा नहीं है कि वो ईवीएम के अंदर स्लिप डाल सके और 1,500 करोड़ रुपया उसमें दे सके बजट में लेकिन अभी तक कांग्रेस की गवर्नमेंट और अभी बीजेपी की गवर्नमेंट अभी तक इस मशीन के लिए पैसा नहीं दिया इसका मतलब शायद मोदी गवर्नमेंट का ये कहना है कि आप वोट दो लेकिन आपके वोट को हम ईवीएम में चोरी करेंगे और हम सरकार बनाएंगे शायद मोदी जी का ऐसा कहना है ऐसा मुझे